सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है और उनके बारे में हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। थ्री लॉज ऑफ मोशन है। चलिए मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला नियम भी बोलते हैं, गति का पहला नियम। तो चलिए हम देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। सो इट डिस्क्राइब्स अबाउट इनर्सिया। It describes about inertia of an object. Object के inertia के बारे में क्या करता है, describe करता है। So inertia, first मैं बोलना चाहूंगा ये inertia जो inertia के बारे में जो define किया गया था, ये जो inertia जो bird आप देख रहे हैं, inertia ये bird जो आप देख रहे हैं इसको मैं ये जो inertia bird है ये firstly कहां से उठाया गया है, आपका गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट से। गैलीलियो जो इससे पहले जो आपने देखा है आपके टेक्स्ट बुक में जो है उसमें देखा जाए तो ये जो इनर्सिया जो बर्ड है ये इनर्सिया बर्ड गैलीलियोस का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। ओके, ये जो गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट है इट डिस्क्राइब्स अबाउट द इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के इनर्सिया के बारे में ये क्या करता है, आपका डिफाइन करता है इनर्सिया के बारे में। तो ये इनर्सिया जो है कहां से उठाया गया है, इनर्सिया उठाया गया है गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट ये था, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहां से उठाया गया गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जैसा कि मैं बोल रहा हूं इट इज अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। मगर ये न्यूटन का पहला नियम तो बोल दिया जाता है, मगर इसमें सबसे बड़ा जो इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो नियम बना है इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन गैलीलियो गैलीली का था। क्योंकि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है फुल्ली गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, फुल्ली इसी के ऊपर बेस्ड है, या मान लेते हैं यही है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है यही है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट को ही बोला गया है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो गैलीलियो ने जैसा बताया था कि ऑब्जेक्ट जिस हाइट से गिराया गया है, ऑब्जेक्ट को जिस हाइट से उसको आप क्या करते हैं छोड़ते हैं, उसी हाइट को ये ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। उसी हाइट को ये क्या करना चाहेगा, अचीव करना चाहेगा। इट हैज अ टेंडेंसी टू अचीव द सेम हाइट अनलेस एंड दिस एक्सपेरिमेंट वॉज इन मीन्स व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस वेयर एक्टिंग। इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा था, जैसा हमने पढ़ा है, जैसा कि इससे पहले का वीडियो है उसको भी मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, डाला हुआ है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट का भी, अगर किसी का छूट गया हो, अगर आपको लगता हो तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट का आप वहां पे बिल्कुल इजिली तरीके से क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं आप लोग गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट।
तो गैलीलियो के ये मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फुली डिस्क्राइब्स करता है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया। और इनर्शिया किसने डिस्क्राइब किया था? गैलीलियो ने अपने बहुत ही फेमस, गैलीलियो का ये काफी फेमस एक्सपेरिमेंट था। तो इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय गैलीलियो गैलीली थ्रू एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो आप जो जो मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला है, उस वीडियो पे आप बिल्कुल इजीली उसको क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और वहां से वो समझ सकते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं इनर्शिया। तो जैसा कि गैलीलियो ने बताया था कि जिस हाइट से गिराया उसी हाइट को क्या किया है, वो अचीव करेगा। तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में कहा जा रहा है, मतलब जिस हाइट को से उसको फॉल किया गया उसी हाइट पे अचीव किया इनर्शिया। तो चलिए अब मैं बताना चाहूंगा, तो न्यूटन ने बस इसी सिद्धांत को इस्तेमाल किया है, बस न्यूटन ने बस इसी एक्सपेरिमेंट को यूज करके, या इसी एक्सपेरिमेंट को बाद में फर्दर डिस्क्राइब किया गया न्यूटन के फर्स्ट। तो इनर्शिया, तो इनर्शिया को हम जानते हैं इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेसिस्ट due to which it resists the change, due to which it resists the change in itself, means if it is in uniform motion, then it wants to continue in uniform motion, and if it is in rest, then it wants to be in rest। कहने का ये मतलब है, इनर्शिया ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द चेंज इन इटसेल्फ। अपने आप में जो चेंज है उसको क्या करता है, वो रेसिस्ट करता है। इट मीन्स, कहने का ये मतलब है, इट मीन्स इफ इट इज इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहेगा क्या, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहे। या कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है। दिस इज द व्हाट, इनर्शिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वॉज टेकन फ्रॉम द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट and this is the first law of motion, and it is also called law of inertia. इसको law of inertia के नाम से भी जानते हैं। It is also called law of inertia, या गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट से उठाया गया है, या तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का नियम क्या है, ये रहा आपका इनर्शिया का नियम, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यू करना चाहता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में। जैसा कि आप देखते हैं पत्थर को, बड़ा सा पत्थर है, अगर कोई बड़ा सा पत्थर है, काफी बड़ा सा पत्थर है, और आप इसको क्या करते हैं, मूव करना चाहते हैं,
तो देखा होगा कि ये रसिस्ट करता है मूव करने से, आपको क्या करता है, रसिस्ट करता है, काफी आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ता है मूव करवाने के लिए। अगर ये रसिस्ट ना किया होता, अगर ये रसिस्ट ना किया होता बच्चों, तो हमें बिल्कुल आसानी से एक बड़ा से बड़ा पहाड़ को भी एक उंगली से हिला सकते थे। अगर ऐसा होता तो हम एक छोटी सी उंगली से, एक छोटे से खेर के तिनके से भी इसको हिला लेते, एक बड़े से पत्थर को, एक बड़े से पत्थर को हिला लेते, मगर नहीं। आपने देखा होगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही ज्यादा हमको फोर्स लगा के उसको हिलाना पड़ता है, मतलब वो रेसिस्ट कर रहा है बच्चों। वो क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है अपने पोजिशन, मतलब इस पोजिशन ऑफ रेस्ट, इसका पोजिशन ऑफ रेस्ट में है तो ये चाहेगा कि रेस्ट में ही रहे, ये क्या चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहता। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो कंटिन्यू करना चाहता यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे मैं एग्जांपल देखा बताता हूं, देखा होगा अक्सर कभी साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल चलाते चलाते जब आप पैडल मारना भी छोड़ देते हैं, पैडल मार करना भी बंद कर देते हैं, तो साइकिल काफी लंबी दूरी तक चली जाती है। जब आप पैडल मार रहे होते हैं, पैडल कर रहे होते हैं साइकिल का, और जैसे उसको बंद करते हैं पैडल करना, फिर भी साइकिल जो है एक लंबी दूरी को तय कर लेती है, तो साइकिल जो है एक लंबी दूरी को तय कर लेती है, या गाड़ी कुछ भी, या पत्थर को भी फेंकते हैं तो वो फिर भी क्या करता है, एक जब वो मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में तो कंटिन्यू करना चाहता है। तो आपने पत्थर को फेंका तो पत्थर मतलब, या साइकिल देख लीजिए, ये साइकिल में का एग्जांपल उठा लिया हूं मैं, तो साइकिल का एग्जांपल देख लीजिए कि साइकिल जो है आपका जो यूनिफॉर्म तरीके से जो चल रहा है साइकिल, साइकिल को जो आप चला रहे हैं साइकिल को, तो साइकिल कंटिन्यू करना चाहता है यूनिफॉर्म मोशन में, जब पैडल मार करना भी छोड़ देते तो वो भी यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, मगर वो अल्टीमेटली रुक जाता है। रुकने का क्या कारण है, क्योंकि फ्रिक्शन है, क्योंकि वहां पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन धीरे धीरे। या फुटबॉल को जैसे ही किक करते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट करता है, मगर मूव देखा होगा जब हम किक करते तो हमें दर्द होता है उसको। एक फुटबॉल मोशन में है और उसी के डायरेक्शन में मारते हैं तो हमें आसानी होती है, या कोई चीज आ रहा है जा रहा है उसको और आगे धक्का दे दो तो बहुत आसानी से कर लेते हैं हम लोग। या फुटबॉल को क्या करते हैं, जब मारते हैं तो वो कंटिन्यू करता है, काफी दूर तक जाता है, मगर अल्टीमेटली रुक जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर वही फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट ना करता, तो क्या होता, वो कंटिन्यू करता रहता, कंटिन्यूअसली वो मूव करता रहता, हमेशा के लिए वो मूव करता रहता। जब वो इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया होता तो वो कंटिन्यूअसली मूव किया होता। इसीलिए गैलीलियो एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा था। तो मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि आपको देखा होगा बड़ा मुश्किल से उसको हिलाते हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, तभी तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये रेस्ट में नहीं रहना चाहता तो थोड़ा सा भी धक्का देंगे चला जाएगा मूव करते हुए। तो याद रखना है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, इट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट, एंड इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल कंटिन्यू इन द, इट वॉन्ट्स टू कंटिन्यू, इट कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू करना चाहेगा अपने यूनिफॉर्म मोशन को ही कंटिन्यू करना चाहता है। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और इट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का ये पहला नियम है। देखा होगा मार्बल को भी, देखा होगा जो कंचा खेलते हैं कंचा से, तो कंचा भी देखा होगा काफी दूर तक चला जाता है, मगर अल्टीमेटली वो भी रुकता है। रुकने का पीछे वही कारण है, फ्रिक्शन अगर ना होता है तो वो भी कंटिन्यू मूव करता रहता है। देख लीजिए, जब हम मार्बल है जो मार्बल को जब हम जमीन पे करते हैं तो ज्यादा दूर तक वो डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं करता, मगर वही अगर हम ये सीमेंटेड फ्लोर पे करते हैं तो काफी दूर तक वो ट्रेवल करता है, फ्रिक्शन वाली चल रहे, अदरवाइज इट वुड हैपन फॉरएवर, हमेशा के लिए चला गया होता अगर ये इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना किया होता तो।
सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ इनर्शिया और द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।